फिर गई साली, बिजली बिना बीवी हो गई, आए कम जाए ज्यादा। अरे तू नाश्ता तो करता जा। नहीं माँ, बहुत देर हो रही है। छोटू, राजेश कॉल का माल पहुंचाना, गाड़ी में लाद दे। ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। हम शादी के बाद ना यहीं पे एक घर बनाएंगे। इतना तो सब सेट हो रहा है। ये लीजिए बिजली का बिल। मेरा बिल कुछ गड़बड़ा है सर। क्या? 1,60,000 आ गया सर। तुम एक एप्लीकेशन लिख दो। ये विजय मिल वाले हैं ना, इनका मीटर भाग रहा है, इसीलिए बिल ओवर रीडिंग हो रही है। वो उस टेबल पे राजेश बाबू बैठे, उनके पास जाओ। बड़ा बाबू नहीं भेजा। तुम्हारा जो मामला है ना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कनेक्शन का क्या होगा तब तक? कनेक्शन तो काटना ही पड़ेगा ना। सरपट आया कैसे खोखला जमाना रे। ये सरकारी लोग, यहाँ सब काम ऐसे ही चलता है। कल तक पूछता था। मैं चाहता हूँ इस मीटर को लैब में जांच के लिए भेज दिया। अब चिंता मत करो, उसे हम आज ही चेक करने के लिए भेज देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। पर मेहरबानी सूखी सूखी लोग। साहब लेंगे बिल का 20%। मीटर क्यों नहीं भेजा? तो खर्चा मिला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मीटर भिजवाने का किस किस को पैसा चाहिए बता दीजिए। आइए लाइन में खड़े हो जाइए, सबको मिलेगा आज। सुनो, आज सबको दे ही देता हूँ मैं। इतने में सारा एफर्ट सिर्फ मैं लगा रही हूँ। तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं तो। नहीं तो क्या बोलोगे? तो बाहर जाओ। बिजली चोरी के केस में वारंट निकला है तुम्हारे खिलाफ। 2,50,000 का जुर्माना कर दिया। आप भी फंस गए चक्कर में। क्या करें, कांड ना करें? सिस्टम की चक्की में पिसते रहे। जीवन की चक्की में, जीवन की चक्की में। सर वो बिजली विभाग ने जो मेरे क्लाइंट पर 2,50,000 रुपए। क्या बिजली की बात कर रहे भाई, बिजली तो गई।